हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 5 अप्रैल रविवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज का दिन बेहद ही लाभकारी रहेंगे। ऑफिस के क्षेत्र में आपको पदोन्नति प्राप्त होंगे। भाग्य आपका अच्छा खासा साथ दे रहा है, जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकोगे। आप लोगों को व्यापार में अच्छी प्रगति प्राप्त होंगे। मीन राशि वाले जातकों को नए कार्य को करने के लिए आज का दिन प्रेरित करने वाला है। आप लोगों को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका मिलेंगे तथा करियर में नई ऊंचाइयों को हासिल करोगे। आज के दिन सोच समझ कर आप अपने कार्य को सही समय पर पूरा कर सकोगे। आप अपने कार्य क्षेत्र, व्यापार और कई प्रकार के शुभ चीज़ों को जानने का करने का मौका प्राप्त। आपके आत्मविश्वास में आज के दिन बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ के लिए बेहतरीन मौके मिलेंगे। मित्रों, आज के दिन आप लोगों को भाग्यशाली साबित होंगे। आपके सभी सोचे हुए कार्य समय से पूरे होंगे। परिवार में आपको सभी जातकों का बराबर सपोर्ट मिलेंगे। भगवान श्री राम जी की कृपा से दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव दूर होंगे और अगर आप प्रेम संबंधित मामलों में आज के दिन हैं तो आप काफ़ी भाग्यशाली साबित होंगे। काम में किसी तरह की जल्दबाजी करने से आपको बचने होंगे। आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार होंगे। लंबे समय से आप जो भी सपने, जो भी कार्य रुकावट में आ रहे थे उनको आज पूरा कर सकोगे। आज आपको करियर में तरक्की मिलेंगे, परिवार में खुशियां मिलेंगे। आज के दिन मनोरंजन के लिए आपको समय जरूर निकालने होंगे। अगर आप बहुत दिनों से उधारे, कर्ज या फिर लोन ले रहे हैं तो उनसे आपको आज के दिन उनको चुकाने के कुछ नए आइडियाज मिलेंगे। आज के दिन आपको उनको चुकाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। आज के दिन आपको कई सारे सुनहरे अवसरों की प्राप्ति भी होने वाले हैं। आज आपके जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके ऊपर शनिदेव जी का आशीर्वाद बना रहेंगे, जिनसे आपको अपने कारोबार में पहले से अधिक धन लाभ हो सकेंगे। आप विद्यार्थी वर्ग के जातकों को शिक्षा प्रतियोगिता में बेहतर लाभ मिलेंगे। आज के दिन शनिदेव जी की कृपा से आपको अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती हैं, जिनसे आपको अपने व्यापार में लाभ मिल सकेंगे। मित्रों, आज के दिन आपको अपने प्रति, परिवार के प्रति विशेष कार्यों को करने का मौका मिलेंगे। परिवार की जिम्मेदारियों को आप पूरा कर सकोगे। आपके माता पिता आपके पक्ष में रहेंगे और माता पिता से संबंध आप काफ़ी सुधरने वाले हैं, जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर सकोगे। व्यापार से जुड़े लोगों को मुनाफे होंगे, जिनके कारण आप काफ़ी खुश रहेंगे। पैसों से जुड़े आपके कुछ मामले आपको आसानी से छुटकारा दिला सकेंगे। धन कमाने के कई मौके मिलेंगे, जिसके कारण आपके पास पैसों की कमी नहीं होंगे। आज के दिन किसी भी दस्तावेज में हस्ताक्षर या सिग्नेचर करने से पहले सावधानी जरूर बरतें। मन में सकारात्मक भावनाओं का संचय होगा। घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि के साथ साथ परिवार में शांति बने रहेंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार आ सकेंगे और आपको अपने जीवन साथी के मिलने के प्रबल योग हैं। उच्च अधिकारियों से आपके बेहतर संबंध मिलेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में मान सम्मान बढ़ेंगे। व्यापार के चलते आपको कहीं दूर दराज की यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। आज के दिन आपके चिंताओं से आपको छुटकारा मिल सकेंगे। आज के दिन आपको अपने जीवन में
भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलता दिख रहा है, जिनसे आपको अपने व्यवसाय में पहले से अधिक धन लाभ हो सकेंगे। आज के दिन आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी महादेव की कृपा से प्राप्त होने वाले हैं। आज आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। भावनाओं में बहकर किसी भी नई गतिविधि को शुरू करने से आप बच कर रहने होंगे। आज के दिन आपको अपने बुद्धि विवेक और संचार कौशल को बढ़ाने के सुनहरे अवसर मिलेंगे। आपको इस समय जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। आपके जीवन में नई सफलताएं मिल सकेंगे। आपको अपने सभी कार्यों में पारिवारिक सहयोग मिलेंगे। आपको व्यवसाय व्यापार में अचानक से लाभ होंगे। आपको सभी तरह के कर्जों से छुटकारा मिलने के आसार दिख रहे हैं। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति के योग बने रहेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों को सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेंगे। नौकरी में पद में वृद्धि होंगे और आपको कुबेर देवता का आशीर्वाद भी जीवन में प्राप्त होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी और काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। आपके सोचे हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगे और किसी विशेष कार्य में प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेंगे। आपको किसी लाभदायक यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। आपको काम धंधे में सफलता के नए अवसर मिलेंगे। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन लोगों को अच्छे मुनाफे मिलेंगे। ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका भी मिलेंगे, जिनसे आप सफलतापूर्वक पूरा कर सकोगे। आपके कामकाज से आपका जीवन साथी प्रसन्न रहेंगे। आपको किसी लेन देन से फायदे होंगे और किसी रिश्तेदार की मदद से आपका रुका हुआ कार्य पूरे होंगे। लवमेट एक दूसरे के साथ आज के दिन परिणय सूत्र यानी शादी के बंधन में बंधने का फैसला ले सकते हैं और यह फैसला आपके लिए काफी अच्छा खासा साबित होने वाला है। आज के दिन आपको फायदे मिलने के पूरे योग हैं। आप हनुमान जी की कृपा में रहने वाले हैं और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो सकेंगे। आपके द्वारा बनाई गई आर्थिक योजनाएं सफल रहेंगे। आप अपने जीवन में उतने ही तेजी से प्रगति करोगे जितना ज़्यादा आप प्रयास करने के लिए इच्छुक रहेंगे। आज का दिन आपके लिए आपके खुशियाँ लेकर आएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका आने वाला जीवन बहुत ही खुशहाल रहेंगे। आपको अपने भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होंगे। आपके किए गए कार्य सफल होंगे। उधार पैसे आपको वापस मिल सकेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में फायदे हो सकेंगे। आपको अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने के पूरे योग दिख रहे हैं, परंतु यह नौकरी आपको आज न मिलकर थोड़े देर इसे मिल सकती हैं, जिनसे आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत रहेंगे। आप किसी भी कार्य को करने से पहले अपने माता पिता की सलाह अवश्य लें। अपने पारिवारिक सुख का आनंद उठा सकोगे। परिवार में कोई शुभ कार्य होने की संभावना है। नए नए मेहमानों का आगमन होंगे, जिनसे पारिवारिक जीवन में व्यस्तता बनी रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपकी स्थितियां अच्छी रहेंगी और आपके कार्य को सहारना प्राप्त होंगे। इस समय आपको करियर में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। आप अपने पैसे और नौकरी से करियर को बेहतर बनाने के लिए उनका पूर्ण रूप से उपयोग करोगे। आपको बहुत सक्रिय रहने होंगे और आज के दिन जो भी मौके मिले उन मौक़ों को आप अपने हाथ से जाने ना दें। आपके जीवन के सारे दुख खत्म होंगे। आप अपने कामों और कारोबार में तेजी से सफलता की ओर अग्रसर हो सकोगे। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खत्म करने का मौका मिलेंगे। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन आपको अचानक से लाभ मिल सकेंगे। इनकम के क्षेत्र में बढ़ोतरी होंगे। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी आपकी बढ़ोतरी हो सकेंगे। आज का दिन आपके लिए नई नई खुशियों की सौगात लेकर आएंगे। मेहनत से काम कर आप अपने सारे कामों को पूरा कर सकोगे, जिनकी वजह से आपकी किस्मत भी आपका पूरा सहयोग करने वाले हैं। आज के दिन आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी हो सकेंगे और आपको अपने जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेंगे। आज के दिन आपको ढेर सारे धन की प्राप्ति होंगे और आपको पैसों से जुड़े सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सकेंगे।
आपका दिन सफल देने वाला होगा। यदि आपने किसी नए काम के बारे में सोच रखा है तो जीवन साथी की इच्छाओं का सम्मान करें, उनके इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें। आज के दिन जीवन साथी के साथ कोई अनबन जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। कुबेर देव की कृपा से आपको सारे दुख तकलीफों से छुटकारा मिलेंगे। बेरोजगार वाले लोगों को आने वाले समय में रोजगार संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती हैं। घर में अचानक से खूब सारा पैसा और खुशियां आ सकेंगे। परिवार में सुख शांति बने रहेंगे, मन आपका काफ़ी प्रसन्नित रहेंगे। आपको अपने पुराने कर्ज और जीवन में आ रही लगातार मुसीबतों से छुटकारा मिल सकेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मिठास रहेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा तरक्की की ओर आगे बढ़ सकोगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ बिंदुवासिनी।